वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। क्वेश्चन 5 ऑफ एक्सरसाइज 12.2, व्हाट शुड बी टेकन अवे फ्रॉम 2 ऑफ 10 दिस। ठीक है, देखिए ये कहते हैं कि भाई क्या घटाया जाए, किसमें से 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 20 में से क्या घटाया जाए कि हमारे पास में जो है ये बच जाए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 20, क्या घटाया जाए। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसमें इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये हो जाए, या हम कह सकते हैं कि भाई इसमें से क्या घटाया जाए कि ये आए, तो वो आ जाएगा अगर इसमें से इसको घटा दें हम। ठीक है ना, इस एक्सप्रेशन में से हम इस एक्सप्रेशन को घटा देंगे तो आपके पास वो आ जाएगा जो इसमें से घटाया जाना है। बात एक ही हुई ना भाई, 5 में से 2 घटा के कितने बचे 3, और 3 में से 2 जोड़ेंगे तो कितने होंगे 5, या 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 और 5 में से 3 घटाएंगे तो 2। तो ये मान लीजिए ये 5 है, इसमें से ये 2 घटा दिए तो 3 आ गए, और 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, तो हम इसमें से इसको घटा देते हैं। अक्ष मान के भी कर सकते हैं, ठीक है, या ठीक है, या यूं मान सकते हैं कि भी जो है इसको मान लीजिए हमने एक्स के मान लिया, मान लीजिए इसमें से हम एक्स घटा देंगे तो क्या बचेंगे ये, तो यहां क्या है ये जो वैल्यू आएगी किसके बराबर आएगी, एक्स के बराबर आएगी। ठीक है, तो हम यूं कह सकते हैं कि भाई इसमें से जो है इसको घटा दिया जाए। तो दूसरा रीराइट करते हैं इसको हम, ठीक है, इसको हम करते हैं कि 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 2 में से घटाना है क्या ये, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 20, और इसको घटाएंगे तो हम क्या करेंगे इसके साइंस बदल देंगे, ये माइनस है इसको प्लस कर देंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। जब इसके साइंस बदल दिए तो अब हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, जोड़ देंगे इसको, तो देखिए ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो 3 और 1 4 हो गया, तो 4x² हो गया, इनको जोड़ दिया माइनस 4x माइनस 4y² को प्लस y² से, तो माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस 3y², और इसको हमने जोड़ दिया प्लस 5 वाले को माइनस 6 से, तो माइनस 1 हो गया, तो माइनस एक्स वाई, और ये प्लस 2 को इसे ये 20 है, ये भी 20 है, ठीक है, तो प्लस 20 को माइनस 20 से हमने घटाया तो क्या हो गया, कुछ नहीं बचा, हमारे पास बचा 4x² माइनस 3y² माइनस xy, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर हो गया होगा शायद, अब तो आपको कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। अगर आप अक्ष मान के करते तो भी आपको यही प्रक्रिया अपनानी पड़ती, ठीक है, और हमने इसको डायरेक्ट कर दिया है, आंसर एक ही आएगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।